पति पत्नी पहली रात को क्या करें। देखो शादी की पहली रात को लेकर हर किसी के मन में उत्सुकता होती है कि वह स्वागत कैसे मनाए, आखिर स्वागत में क्या होता है। इस समय पति व पत्नी दोनों ही घबराए हुए होते हैं, क्योंकि जो लड़की होती है, शादी होकर आई है लड़की की, तो वो अकेले किसी खाली रूम में एक अकेले लड़के के साथ है। उसको एक अजीब सा लगता है कि वो पहली बार अपनी जिंदगी में किसी लड़के के साथ एक बंद कमरे में अकेली है, इसलिए उसको घबराहट महसूस होती है। इसलिए लड़की से दोस्ताना व्यवहार करें और उससे दो चार बातें पूछ सकते हैं और लड़की का दिल बहलाएं। जो लड़की है, जो बहू बनकर आई है, तो नई वधू को अपने साथ सहज बनाने के लिए बातें करना और तोहफा देना बहुत ज़रूरी होता है। इस रात आप महिला साथी को जो भी तोहफा देंगे, चाहे वो रिंग हो, चाहे वो पहनने का हार हो, वह उनको जीवन भर याद रहेगा। इतना ही नहीं, तोहफा देने से डर व घबराहट का माहौल भी सामान्य हो जाएगा और आप दोनों एक दूसरे से बातों की शुरुआत कर पाएंगे। सुहागरात में एक दूसरे को जाने, क्योंकि एक दूसरे को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। शादी की पहली रात बर्बाद हो, दोनों ही एक दूसरे को जानना चाहिए। इस रात को लेकर सभी के मन में घबराहट और शंकाएँ होती हैं। ऐसे में आप दोनों को प्रयास करते हुए माहौल को सहज और खुशनुमा बनाना होगा। इस दौरान आप एक दूसरे की पसंद और नापसंद के बारे में जानें। शादी की पहली रात कैसे करें संभोग जानते हैं। जब आप दोनों साथी एक दूसरे के साथ सहज महसूस करने लगें, तो आप दोनों में से कोई भी शारीरिक क्रिया के लिए पहल कर सकता है। सुहागरात पर देखा गया है कि महिलाओं को ऐसा सोचना होता है कि पुरुष ही पहले पहल करें। यह एक गलत धारणा है। यह आप दोनों की यौन सहमति के आधार पर की जाने वाली क्रिया होती है। सेक्स करने से पहले आप इस पर चर्चा कर सकते हैं। सुहागरात को लेकर कोई कल्पना हो तो उसको भी साथी के साथ शेयर कर सकते हैं। सुहागरात में कभी उतावलापन ना दिखाएं। सुहागरात को लेकर पुरुषों में इतनी उत्सुकता होती है कि वह कमरे में दुल्हन को पाकर उतावले हो जाते हैं। पुरुषों का ऐसा करना महिलाओं को असहज कर सकता है। उतावलेपन में आप अपने साथी को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाते, इसलिए कभी सुहागरात में जल्दबाजी ना दिखाएं और पो करते समय संयम से काम लें और धीरे धीरे प्यार के साथ वो करें। पहली बार वो करते समय कई महिलाओं की योनि में दर्द होता है, इसके साथ ही योनि से रक्त स्राव भी होता है। ऐसे में आप दोनों घबराएं नहीं, यह एक सामान्य प्रक्रिया होती है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह जरूरी नहीं है कि पहली बार वो करते समय महिलाओं की योनि से रक्त का स्राव ही हो। तो दोस्तों, आप सेक्स करने से पहले कुछ ज़रूरी बातों पर ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि शादी की पहली रात सेक्स करने से पहले फोर प्ले करना चाहिए। सुहागरात की पहली रात सेक्स करने से पहले आपको अपने साथी के साथ थोड़ा समय फोर प्ले में बिताना चाहिए। महिलाओं को चरम समय तक पहुंचने में पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा समय लगता है। ऐसे में आप फोर प्ले की सहायता से महिला साथी को आसानी से ऑर्गेंस तक पहुंचा सकते हैं। इसमें किस करना व उनको प्यार से सहलाना, उनको छूना। तो दोस्तों, आपको सुहागरात में क्या होता है, सुहागरात कैसे मनाई जाती है,